हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों बताने वाले दोस्तों कैसे दोस्तों हम अपने इन्फिनिक्स के फोन से हम कीबोर्ड सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अपने फोन में कीबोर्ड सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हो आज की वीडियो दोस्तों बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों कीबोर्ड सेटिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, आपको फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करना है और सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये नहीं होता है तो आपको इस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है और आपको फ़ोन कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप कीबोर्ड पे क्लिक करोगे सबसे पहले यहाँ पर आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आपके फ़ोन में पहले से ऐड है तो ठीक है, वरना दोस्तों यहाँ पर आकर आप कोई सी भी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो और अपने फ़ोन में कीबोर्ड में चेंज कर सकते हो। दोस्तों मेरे पहले से ऐड है। दोस्तों यहाँ पर आप कीबोर्ड थीम को सेट करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप कीबोर्ड थीम को सेट कर सकते हो। दोस्तों आप टेक्स्ट करेक्शन को यहाँ से ऑन कर सकते हो, अपने ऑटो टेक्स्ट करेक्शन को अगर आप इसको ऑफ कर देते हो। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट है, तो आप इसको अगर ऑन करके यूज़ करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आके आप इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हो। इन सबको सेटिंग दोस्तों आप यहाँ पर ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको ग्लाइड टाइपिंग भी दीजिए, दोस्तों यहाँ पर आके आप अपनी ग्लाइड टाइपिंग को इनेबल कर सकते हो, यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर वॉइस टैपिंग है, दोस्तों अगर आप अपनी वॉइस टैपिंग को यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आके आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करें दोस्तों आपके कीबोर्ड दोस्तों यहाँ पे वॉइस टैपिंग दिख जाएगी, हेलो गूगल। और दोस्तों अगर आप इस वॉइस टैपिंग को यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से सेटिंग पर क्लिक करना है और आपको वॉइस टैपिंग को ऑफ कर देना है। दोस्तों वॉइस टैपिंग ऑफ होते ही यहाँ पर आपको जो वॉइस टैपिंग आइकन है दोस्तों यहाँ पर हट जाता है, फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे दोस्तों आप इसको कीबोर्ड सेटिंग को आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इमोजीज वगैरह दोस्तों यहाँ पर आप इसकी सेटिंग को यहाँ पर आके ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। और दोस्तों जो आपने लैंग्वेज ऐड करी थी लैंग्वेज के बारे में दोबारा से बताता हूँ। ऐसे दोस्तों ये वाली लैंग्वेज ऐड कर रखी है दोस्तों मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आपको दोस्तों ये वाला आइकन पर क्लिक करना है, दोस्तों आप स्पेस बटन पर प्रेस भी कर सकते हो और ऐसे लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। इसके दोस्तों देखो तो यहाँ पर अभी हिंदी लैंग्वेज भी आएगी, इस तरीके से यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है। दोस्तों आप इस तरीके से अपने फ़ोन में हिंदी लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हो ऐसे। तो दोस्तों मैं वापस इसको इंग्लिश करता हूँ, यहाँ पे प्रेस करके मैं इंग्लिश पे ही क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने फ़ोन में कीबोर्ड को सेटअप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।